हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की रूनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट किया था, जिसमें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में हमने सारी डिस्कस किए थे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि नए पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, उसके बाद हमने रेशियो के सारे पॉइंट डिस्कस किए। थर्ड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था गुडविल। गुडविल के अंदर हमने इसका नेचर पढ़ लिया कि क्या क्या गुडविल का नेचर होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमने टाइप ऑफ गुडविल डिस्कस कर ली। फिर अपन वैल्यूएशन के पार्ट पे थे। वैल्यूएशन में हमने पढ़ा था कि टोटली 5 तरीके से गुडविल कैलकुलेट की जाती है, 5 अलग अलग डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं हमारे, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था, जिसके अंदर फर्स्ट मेथड था हमारा यस ऑफ परचेज मेथड, सेकंड मेथड था कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकृत भी थी, ठीक है। तीसरा मेथड हमारा था एन्यूटी मेथड, इसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। फोर्थ मेथड हमारा क्या था, परचेज कंसिडरेशन मेथड, और फिफ्थ मेथड हमारा था हिडन गुडविल, ठीक है। जिसमें हम सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने लिया था यस ऑफ परचेज मेथड। यस ऑफ परचेज में भी हमने देखा था कि दो तरीके से गुडविल कैलकुलेट की जा सकती है, दो तरीके के हमारे पास में प्रॉफिट होते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था कि वेटेड एवरेज क्या, सॉरी सिंपल एवरेज क्या होता है, या एवरेज मेथड क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा वेटेड एवरेज क्या होता है। उसके अंदर फर्दर हमने पढ़ा कि एवरेज मेथड में भी दो तरीके के एवरेज होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा होता है हमारे पास में वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। तो यहाँ तक अपन चल रहे थे, अब अपन चलते हैं फर्दर। फर्स्ट वाला अभी तक हमारे पॉइंट चल रहा है, जिसमें हमने डिस्कस किया था ए पॉइंट तो क्या हो गया हमारा, यस ऑफ परचेज मेथड मेन हेडिंग। उसके अंदर स्मॉल ए हो गया हमारे पास में कौन सा मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और स्मॉल ए के अंदर भी हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कौन सा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट मेथड जिसे हिंदी में कह रहे थे अपन साधारण औसत लाभ विधि। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड या साधारण औसत लाभ विधि, इस मेथड के अंदर अपन गुडविल कैलकुलेट करे थे, जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था गुडविल इज इक्वल्स टू, हमने कहा शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे गुडविल को GW से। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, ये हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन के अंदर हमेशा ईयर्स ऑफ परचेज यानी कि वर्षों का क्रय जो होगा वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि ये चीज़ जो होती है वो क्वेश्चन में गिवन होती है। फिर हमने पढ़ा सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अपन, इसका भी फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट कौन सा होगा, एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, यानी टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड करेंगे अपन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने साल के हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ठीक है। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट को हिंदी में कह सकते हैं अपन कुल समायोजित लाभ, कुल समायोजित लाभ, डिवाइड में हम लिखेंगे वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या, ये कितने साल का हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसमें हम लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसके अंदर हमें एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बट अब ध्यान दीजिएगा ये एडजस्टेड जो प्रॉफिट होता ना ये कैसे निकलता है। इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि आपको 4 या 5 साल के प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होंगे, जिसके अंदर कुछ ऐसा इफेक्ट होगा, यानी कुछ ऐसे बिजनेस, कुछ ऐसे प्रॉफिट्स या लॉस होंगे जो एक्चुअल में बिजनेस के तो नहीं थे बट बिजनेस में हमने गलती से शामिल कर ली, ठीक है। तो उस चीज के इफेक्ट को हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो गुडविल कैलकुलेट की जाती है गुडविल प्योरली बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि बिजनेस के ही प्रॉफिट और लॉस होने चाहिए। अगर कोई दूसरा प्रॉफिट या लॉस बिजनेस के प्रॉफिट में जुड़ गया है या कोई लॉस घट गया है तो इस केस में हमें इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एडजस्टमेंट करने के लिए हमने देखा था कि आपको जो भी प्रॉफिट गिवन हो उसके अंदर, अच्छा ये जो प्रॉफिट्स और लॉस होते हैं जो बिजनेस के नहीं होते, जिसके लिए हमने एक वर्ड यूज में लिया था एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस हमें कैसे पता चलेगा सर, क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा ये एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है या प्रॉफिट या लॉस दे देगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में एबनॉर्मल है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन में प्रॉफिट जो होगा वो गिवन होगा, हमें जो दे रखा होगा वो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट गिवन, ठीक है। इस प्रॉफिट में हमने पढ़ा था कि अगर अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको वापस लेस करेंगे और अगर अबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो अबनॉर्मल अगर क्वेश्चन में लॉस गिवन है, ठीक है, जिसे हिंदी में कह सकते हैं असामान्य हानि, असामान्य हानि को वापस जोड़ा जाएगा और असामान्य लाभ यानी अबनॉर्मल प्रॉफिट्स जो होते हैं क्वेश्चन के अंदर असामान्य लाभ उसे घटाया जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद हमने एक पॉइंट और पढ़ा था एड और लेस करने का, जिसमें
होता है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट या लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारे पास भी पैसा पड़ा है, मैंने कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे अर्निंग भी होगी, ठीक है, कुछ लॉस भी हो सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सपोज कीजिए मैंने 1 लाख रुपए की किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, ठीक है, सडनली उस शेयर की प्राइस डाउन हो गई जिसकी वजह से मुझे 30,000 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है, तो क्या ये लॉस एक्चुअली बिजनेस का लॉस है क्या? क्या आपने अपना बिजनेस चलाया इस वजह से वो लॉस हुआ? नो, वो तो किसी और की कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट भी हो सकता था और लॉस भी हो सकता था। अब क्योंकि ये लॉस हमारा नहीं है, लेकिन हमने गलती से क्या किया, इस लॉस को हमारे बिजनेस से एडजस्ट किया जिसकी रीजन से हमारा जो प्रॉफिट था वो कम हो गया, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस केस में हमने और पढ़ा था कि ये जो प्रॉफिट आ जाता है उसमें हम एड और लेस करते हैं, ठीक है, एड क्या करते हैं, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ये हम ऐड करते हैं, और अगर इनकम है इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो उस इनकम को हम क्या करते हैं, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको हम लेस करते हैं। फिर ये जो प्रॉफिट आता है, एक्चुअली इस प्रॉफिट को अपन बोलते हैं एडजस्टेड, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रॉफिट होता है, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो हम जब भी ये प्रॉफिट की टोटल करते हैं ना, हमें हमेशा ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करता है, ये प्रॉफिट जो आएगा उन प्रॉफिट की अपने को क्या करनी है, टोटल करनी है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, समझना अपने को है, एक दो इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके चलूंगा, पर उससे पहले अपन इस लॉजिक को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ, जब भी एबनॉर्मल लॉस हो, किसके बात कर रहा हूँ, लॉस की, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे रखा और उसमें हमें ये बोला हुआ है कि इसमें ये एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, तो लॉस होने पर हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये लॉस है ना, हमने इसको ऐड किया, किया सेम टू सेम, ये क्या था, लॉस है, तो इसको भी हमने यहाँ पर क्या किया, ऐड किया। तो याद कर लीजिए, लॉस होने पर तो ऐड करिए और प्रॉफिट होने पर लेस कीजिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं समझाता हूँ। मेरा सपोज कीजिए बिजनेस का 5 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है, प्योरली बिजनेस का प्रॉफिट, मुझे सडनली 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब लॉस हुआ तो मैंने कहा साहब ये लॉस कहाँ से भरपाई करें, तो मुझे तो मेरे बिजनेस का इनकम दिख रही थी, मैंने कहा भाई बिजनेस में अच्छी खासी इनकम हो रही है 5 लाख रुपए, एक काम करते हैं यहाँ से इस लॉस की भरपाई कर देता हूँ। तो मेरे एक्चुअल में बिजनेस का, प्योरली बिजनेस का प्रॉफिट 5 लाख रुपए था, और जैसे मेरा 1 लाख रुपए का लॉस आया, उस लॉस को मैंने अपने बिजनेस में डाल दिया, जिस रीजन से मेरा प्रॉफिट जो था ना वो कम हो गया। एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट 4 लाख रुपए शो करेगा मेरी बुक के अंदर, तो जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो 4 लाख होगा। क्या एक्चुअल में बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं, इसमें से कोई चीज़ गलती से आपने माइनस कर दी, तो मुझे बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 4 लाख में अगर 1 लाख रुपये वापस ऐड कर दूं, यानी लॉस को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख रुपीज, ऐसा नहीं। तो इस तरीके से हमेशा याद रखें, लॉस होने पर ऐड करेंगे, प्रॉफिट होने पर रिवर्स करते हैं। मैंने कहा 5 लाख रुपये का मेरा बिजनेस का प्योरली प्रॉफिट हो रहा था, और मुझे सडनली एक इनकम हो गई जो मेरे बिजनेस की नहीं थी, 1 लाख रुपये की। इस इनकम को मैंने बिजनेस की इनकम में ऐड कर दिया, तो जहां पहले मेरे बिजनेस का प्रॉफिट 5 लाख था, 1 लाख कोई दूसरा प्रॉफिट था, तो इस दूसरे प्रॉफिट को 1 लाख रुपीज को जैसे ही मैं ऐड करूंगा, तो मेरा अब प्रॉफिट बढ़कर कितना हो जाएगा, 6 लाख। लेकिन क्या यह आपका प्योरली बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं है, इसमें आपका एक ऐसा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है जो आपके प्योरली बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड था ही नहीं, ठीक है, जो बिजनेस से यानी आपके व्यवसाय से संबंधित ही नहीं था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस का प्योर प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से वो प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। तो इस 6 लाख में से मैं ये 1 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट माइनस कर दूं, तो ये आपके एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख रुपए। आ रहा सुन में? तो प्रॉफिट को तो हमेशा माइनस किया जाता है, याद रखें प्रॉफिट या इनकम को हमेशा माइनस करना है और लॉस को हमेशा ऐड करना है। इतनी सी चीज आपको इधर दिमाग में समझ में आ गई तो 90% क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है। फटाफट याद दिला दीजिए, फटाफट, लॉस है तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट है तो लेस करेंगे, लॉस है तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट है तो लेस करेंगे। सिंपल सा लॉजिक के 90% आपके पॉइंट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये देखना है प्रॉफिट या लॉस। लॉस है यानी रिवर्स करें, लॉस नुकसान हो गया वापस जोड़ दो, प्रॉफिट इनकम हो गई वापस माइनस कर दो, ठीक है। इसके अलावा 10% एक पॉइंट हमारा रह जाता है, उस पॉइंट को मैं आपको भी समझाता हूँ, ठीक है। पर उससे पहले इस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को उतार लें अगर आपने पिछली बार नहीं उतारा है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी भी हमारे सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही चल रहा है, ठीक है। अभी तक तो अपन सिंपल फर्स्ट पॉइंट के भी सेकंड में नहीं आए, बट सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये फर्स्ट वाला पॉइंट ही रहता है। अगर ये आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ आपके एग्जाम्पल में आपको कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं और
उसके अंदर कुछ इफेक्ट भी दे रखा है, ठीक है। मैंने कहा 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, 2015, 16, 17 एंड 18। प्रॉफिट जो है वो 25,000, 29,000, 32,000, ठीक है, एंड एक 10,000 लॉस, ये माइनस में चले गए अपन, ठीक है। इनके साथ में एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास अबनॉर्मल लॉस है 5,000 का, ठीक है। यहाँ पर आपके पास अबनॉर्मल प्रॉफिट है 4,000 का, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग पर लाभ है आपके पास में 2,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000, 15,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ना कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ फोर इयर्स ऑफ 3 इयर्स ऑफ परचेज, 3 इयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देते हैं, ख्याति की गणना गत 4 वर्षों के औसत लाभ के, औसत लाभ के 3 गुने के आधार पर, 3 गुने के आधार पर ज्ञात करो, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, एग्जाम्पल, अब समझिएगा अच्छे से। मेथड कौन सा है, मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर बोल दिया, बोल दिया। जब सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। मैं आया यहाँ पर और हमने इसको सोल्व किया और हमने लिखा गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ट्राई करें, फुल लिखें, ट्राई नहीं करें आपको तो फुल ही लिखना है। हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो ख्याति बराबर साधारण औसत लाभ मल्टीप्लाई वर्षों का क्रय, ठीक है। तो मैंने बोला आपको कि ईयर्स ऑफ परचेज हमेशा क्वेश्चन में दे ही रखा होगा, इस क्वेश्चन में देखिए ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, 3 इयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, या 3 गुने के आधार पर। तो ये जो गुना लिखा हो, 3 गुना 4 गुना, ये क्या होता है, ईयर्स ऑफ परचेज, और इंग्लिश में देखा जाए तो ईयर्स ऑफ परचेज लिखा हुआ ही है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर तो 3 आने वाला है, ठीक है। अब अपने को यहाँ क्या निकालना है, हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन एक दिक्कत आ गई। अगर सिर्फ ये दिया हुआ होता, हमें सिर्फ प्रॉफिट दे रखे होते तो हम तो क्या करते, सीधा 4ों को टोटल करते और डिवाइड बाई 4 कर देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन पॉइंट में क्या हुआ, पॉइंट में अबनॉर्मल चीजें आ चुकी, अब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस आ गया। तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना पड़ेगा, हमें इन प्रॉफिट्स को नॉर्मल प्रॉफिट में लाना पड़ेगा, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ गए। तो हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में क्या लिखना अपने को, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एडजस्टेड प्रॉफिट्स, एडजस्टेड का मतलब क्या हो गया, समायोजित लाभ, ठीक है। हम बात करें अगर 2015, 2016, 2017 एंड 2018 के, ठीक है, जो प्रॉफिट दे रखे पहले तो वो लिख लेते हैं। यहाँ आपने को दिया हुआ 25,000, यहाँ दिया हुआ 29,000, ठीक है, यहाँ दिया हुआ 32,000, और यहाँ दिया हुआ 10,000 माइनस में, माइनस का मतलब समझते हो ना, लॉस है। अब एक चीज समझिएगा, अभी अभी मैंने आपको एक टेक्निक याद कराई थी, क्योंकि लॉस क्वेश्चन में हो, यानी ये वाला लॉस की बात करो, अगर आपको क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दिया हो तो उसको ऐड कर लो, और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हो तो लेस कर दो। सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी, सिंपल है पॉइंट, ठीक है। इसका रीजन भी बता दिया क्यों, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए, ये जो 25,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा ना, उसमें एक 5,000 रुपीज का लॉस है जुड़ा हुआ। तो लॉस जब होता है तो हम क्या करेंगे, इस चीज को ऐड, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि गलती से हमने पिछली बार हमारे प्रॉफिट को इस लॉस के कारण कम कर दिया था,
जबकि क्या वास्तव में हमारा प्रॉफिट कम था क्या? नहीं, हमारा प्रॉफिट तो अच्छा खासा आ रहा था। हमें कोई लॉस हुआ, लॉस को जैसे मैंने बिजनेस के प्रॉफिट में डाला तो इसने हमारे लॉस प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना। मुझे एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए तो मैं वापस क्या करूंगा, इसको इंक्रीज कर दूंगा। इंक्रीज करने का मतलब मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 25,000 में ऐड करेंगे कितने रुपए इसका लॉस हुआ, 5,000 का। सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट 29,000 का जो प्रॉफिट था अगले साल, उसमें अबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा 4,000। अबनॉर्मल प्रॉफिट होने पर उल्टा करो, माइनस करो। क्यों माइनस करो? क्योंकि मैंने एक्चुअल में बिजनेस से इतना प्रॉफिट नहीं कमाया। 4,000 रुपए का इसमें वो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है जो कोई दूसरी चीज से मैंने अर्न किया हुआ है, बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। सिंपल, हटाना तो क्या करना है, माइनस कर दीजिए, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा, 4,000, ठीक है। नेक्स्ट है 32,000। यहाँ लिखिए इनकम, सेम वही पॉइंट, प्रॉफिट इनकम का एक ही मतलब होगा। प्रॉफिट या इनकम होने पर हमेशा क्या कीजिए, माइनस कीजिए। तो मैं यहाँ से भी क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, कितने हैं, 2,000। और लास्ट में लॉस, लॉस होने पर क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ ऐड करूंगा कितना, 15,000। तो दिस इज योर एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट, जो आपका प्योरली बिजनेस का प्रॉफिट होगा, जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 25 + 5 कितने होते हैं, 30,000, 30,000। 29 - 4,000, 25,000। 32 - 2,000, 30,000, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, माइनस के 10,000 और प्लस का 15,000 का आंसर आएगा 5,000, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। माइनस का 10,000 में अगर प्लस के 15,000 अपन जोड़ेंगे तो 5,000 प्लस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रॉफिट आ गया 5,000 बस, ठीक है। अब अगर सिंपल एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट का तो अपन को पता ही कैसे निकलता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अभी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ऊपर से। देखिए फर्स्ट ईयर का आया 30,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000, ठीक है। डिवाइड बाय कितना होगा, अब देखिए कई बार बच्चे डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये जो 3 है इसका मतलब जो ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है, वर्षों का क्रय दिया हुआ है। यहाँ प्रॉफिट कितने साल के दे रखे हैं, 4 साल के ना, तो अपोन में भी कितना आएगा, 4 आएगा, तभी तो एवरेज होता है, ठीक है। तो अपोन में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। चलिए फटाफट काउंट कर लेते हैं अपन इसको, 30,000 + 25,000 + 30,000 + 5,000 / 4, ये आ जाएगा 22,500 नेट अपना सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब गुडविल क्या होगी, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना होगा। तो ये लीजिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल ले लिया, 22,500 * अगर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी गुडविल आ जाएगी 67,500। दिस इज अवर गुडविल, सो सिंपल, समझ गए। तो क्वेश्चन बहुत इजी आता है, टेक्निक आपको आनी चाहिए करने की, अदरवाइज क्या है दिक्कत होने वाली है, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते इसी टॉपिक पे अपन। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट लगभग आपके कंप्लीट हो गया, बट एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर पेंडिंग है। अगर ये पॉइंट आप अच्छे समझ लेंगे, ठीक है, तो एवरेज मेथड लगभग आपके कंप्लीट हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ आगे के जो पॉइंट्स हैं बहुत सिंपल हैं, सिर्फ दिमाग अपने को जो लगाना है ना वो यहाँ तक लगाना था जो अभी तक हमने यहाँ पर कवर किया, ठीक है। अब थोड़ा सा अपना दिमाग और यहाँ पर अप्लाई करें। आप सब ने 11th क्लास के अंदर फाइनल अकाउंट्स पढ़ रखे हैं, ठीक है, अंतिम खाते किस तरीके से बनाए जाते हैं। नहीं पढ़ रखे हैं तो मैं एक बार वापस यहाँ पर आपको रिविजन करवाऊंगा। ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स देखे, अबनॉर्मल प्रॉफिट और अबनॉर्मल लॉस, इन पॉइंट्स के अलावा एक पॉइंट यहाँ पर और आता है जो हमारे प्रॉफिट्स में जुड़ा हुआ हो, ठीक है। वो पॉइंट क्या होता है, उस पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। वो पॉइंट है अगर ओवर वैल्यूएशन या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग या फिर क्लोजिंग स्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में हमें ये लिखा हुआ है ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे सिंपल सा पॉइंट समझा रहा हूँ, हमें 1 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट जैसे दिया हुआ 2010 का अपने को 50,000, और यहाँ मैं ब्रैकेट में एक चीज लिख दी, क्या लिख दी, 3,000 रुपीज ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है।
यानी सेम वही पॉइंट है जो अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल प्रॉफिट जैसे देता अपने को, 3000 अबनॉर्मल लॉस है या 2000 अबनॉर्मल प्रॉफिट, ऐसा कोई पॉइंट अपने को क्वेश्चन में दे दे, ठीक है। उसके साथ अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक भी दे दे तो क्या होगा, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, या ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यानी मैं उस किस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ, और उसमें भी दो वर्ड आते हैं, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन, ठीक है। हिंदी में इस चीज को अगर अपन देखें तो हिंदी में इसको कहते हैं प्रारंभिक तथा प्रारंभिक या फिर अंतिम रहतिए का, प्रारंभिक तथा अंतिम रहतिए का अधिमूल्यांकन, अधि मूल्यांकन या फिर न्यून मूल्यांकन, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। अब इस चीज को भी अच्छे से देखिएगा, अगर ऐसा पॉइंट आ जाए तो सर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, ठीक है। तो एक चीज समझना, मैं आपको डायरेक्टली भी समझा सकता हूँ कि बेटा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन होने पर ये करो, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन होने पर ये करो, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन होने पर ये करो, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन होने पर ये करो, यानी प्लस माइनस चार चीजें यहाँ पर बनेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको आप कॉन्सेप्ट वाइज समझे, क्या रीजन इनको एड और लेस करने का, अबनॉर्मल लॉस और प्रॉफिट का तो मैंने आपको समझा दिया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अंडर और ओवर वैल्यूएशन होने के भी क्या रीजन होता है, पहले इसको रीजन को समझते हैं, फिर आपको जाके डायरेक्टली चीज अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब आप अकाउंट को रट्टा मारने लगोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, ठीक है। जितना ज्यादा इसको समझने का प्रयास करेंगे, अकाउंट से इजी सब्जेक्ट नहीं हुई, ठीक। अब समझे, मैं आपको लेके चलता हूँ फाइनल अकाउंट्स में, जो अपन पढ़ते थे 11th क्लास के अंदर, ठीक है। 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ते थे, और उन फाइनल अकाउंट्स में एक अकाउंट बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। इस ट्रेडिंग अकाउंट को ध्यान से देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में चार चीजें आती हैं, ठीक है। मेनली फर्स्ट आता है यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर हम टू साइड में लिखते हैं टू नेट परचेज, टू में क्या लिखते हैं टू नेट परचेज, बाई साइड में आता बाय नेट सेल्स, और बाई साइड में आता बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस के जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो यहाँ आता है टू डायरेक्ट एक्सपेंस, जो समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट उस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सारी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डाल दीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो फिर पॉइंट टफ होने वाला है। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज देखी, ये सब करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पर आ जाता था टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता था तो टू साइड में आता था बैलेंसिंग फिगर, अगर लॉस होता था तो बाई में आता था, बट मैं प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। अब समझिए इस पॉइंट को अच्छे से, अगर अब मैं चार चार पॉइंट बताऊंगा, वन बाई वन अपन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मैं अमाउंट फिल करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में है 5 लाख रुपए का, परचेज हमारे पास में है 25 लाख रुपए की, सेल्स हो गई हमारे पास में 40 लाख रुपए की, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास में 20 लाख रुपए का, और मैंने कहा 5 लाख रुपीज के आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। ये मैंने एक अमाउंट फिल कर दी, ठीक। इसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते थे, दोनों में से जिसकी साइड ज्यादा है उसको टोटल करो, इन दोनों की साइड देखिए 40 और 20 7 लाख हो रही है। 60 लाख में से अगर मैं माइनस करूँ 60 लाख में से, अगर माइनस करें देखिए कितना है, 25 + 5 = 30, 35,000 अगर माइनस करें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 25 लाख रुपए का। ये हमने कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर निकाली है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे ही रुको के हमें कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे व्हाट्सएप नंबर है आपके पास में, जैसा चाहे आप वैसे पूछे क्वेश्चन, और जैसा कहते आप हमें कमेंट करेंगे तो कमेंट का भी आंसर आपको विद इन वन डे मैं खुद पर्सनली आपको आंसर करूंगा, ठीक है। अब समझे, अभी हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 25 लाख रुपीज का हमारा प्रॉफिट आ रहा है। मैंने इस चीज को यहाँ लिख दिया, मैंने कहा अभी हमारा प्रॉफिट कितना है 25 लाख रुपये, कितना है 25 लाख रुपए, ये एक्चुअल हमारा प्रॉफिट यहाँ पर आ रखा है। अब मैं कुछ डिफरेंट टाइप की सिचुएशन अराइज करता हूँ, ठीक है। अब अच्छे से देखिएगा, मैंने कहा अभी हमारा प्रॉफिट कितना रहा है 25 लाख आ रहा है। अब मैं फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने कहा, मैंने गलती से पहले अपन ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं, ठीक है, 1 मिनट। तो देखिए अब अपन फर्स्ट पॉइंट में आते हैं, सबसे पहले मैं ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हमने ओपनिंग स्टॉक को गलती से 5 लाख की जगह हमने कितना लिख दिया, 6 लाख रुपए, ठीक है। ध्यान से सुनो, फर्स्ट कंडीशन, मैं कुछ कंडीशन अराइज कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने कहा कंडीशन नंबर वन, हमने गलती से क्या किया, 5 लाख की जगह कितना लिख दिया, 6 लाख लिख दिया, ठीक है। वो पूरा अपने पास में बना हुआ,
अगर मैं यहाँ पर 5 लाख की जगह 6 लाख लिख देता हूँ, तो मैंने कहा इस 5 को हटा के यहाँ कितने लिख दिए मैंने, 6 लाख लिख दिए। अब मुझे बताइए मेरा इस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है? तो ये गलत हुआ कुछ, तो मैंने कहा कि मुझे लिखना चाहिए था 5 लाख, मैंने गलती से 6 लाख लिख दिया। तो पहले तो बताइए इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन का मतलब समझते हो, अधिमूल्यांकन किया गया, यानी हमने गलती से ज्यादा लिख दिया। ज्यादा लिख दिया मतलब अधिमूल्यांकित हुआ, ओवर वैल्यूएशन हुआ। तो मैंने कहा मुझे लिखना चाहिए था 5 लाख, मैंने गलती से कितना लिख दिया, 6 लाख लिख दिया। इसका क्या इफेक्ट होगा समझिएगा, ये तो 60 लाख ही है। अब 60 लाख में से मेरे पास में ये लेस करूंगा तो पता है आपके पास प्रॉफिट कितना आएगा? आपका प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा 20 फोल्ड है, क्योंकि 60 लाख में से 36 लाख माइनस होंगे, कितने, 36 लाख। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पहले कितना आ रहा था, 25 लाख, अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 24 लाख हो गया। तो फटाफट बताइए ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने से क्या इफेक्ट पड़ा? ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने से आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो गलत है ना। अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए तो बताइए क्या करूं, एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए तो मुझे इस चीज को करना पड़ेगा ऐड। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ जाए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक, इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक रहतिया, प्रारंभिक रहतिया, अगर प्रारंभिक रहतिया का अधिमूल्यांकन हो जाए, ये अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना अधिमूल्यांकन है वो क्वेश्चन में हमेशा लिखा होगा। तो यहाँ पर बताइए कितना ओवर वैल्यूएशन हुआ, यहाँ 1 लाख रुपये तो ओवर वैल्यूएशन हुआ, 1 लाख कैसे भाई, 5 लाख तो था ही, हमने 5 की जगह 6 लिख दिया, तो कितना ज्यादा लिखा हमने, 1 लाख लिखा ना। तो इस 1 लाख रुपए को अपन वापस क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है? तो देखिए ये चीज मैं आपको डायरेक्टली भी समझा सकता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने पर ऐड कर दो, ओपनिंग स्टॉक के लो अंडर वैल्यूएशन होने पर लेस कर दो, बट वहां पर आपको ज्यादा चीज क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं एग्जाम्पल से। चलिए आते अपन सेकेंड कंडीशन पर, तो ये हम जो बता रहे हैं ना, ये क्या चीज अपन कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें ये चीज याद होनी चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने पर ऐड किया जाता है, ठीक है, याद रखें। चलिए अब बात करता हूँ, मैंने कहा मैंने गलती से ओपनिंग स्टॉक को 4 लाख लिखा, इस बार क्या हुआ बताइए, अभी तक मेरा ओपनिंग स्टॉक 5 लाख आ रहा था, है ना, मैंने गलती से इसको 5 की जगह क्या लिख दिया, 4 लाख लिखा। तो इस चीज को बोलते क्या है, पहली चीज तो इसको बोलते अंडर वैल्यूएशन, क्या बोलते हैं, अंडर वैल्यूएशन, या फिर कम मूल्यांकन, कम मूल्यांकित किया गया। अब बताइए फटाफट, अगर यहाँ पर 4 लाख हुआ तो अब मेरा एक्चुअल में नेट ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, ध्यान दीजिए मैं सिर्फ एक चीज को चेंज कर रहा हूँ, बाकी सब चीजें सेम है ना। इस बार अब मेरा प्रॉफिट जो है ना वो कितना आएगा मालूम है आपको, 26 लाख, कैसा है, 60 लाख में से देखिए 25 और 5 30 और 4 34, 34 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26 लाख रुपये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, क्या आपने अपने ओपनिंग स्टॉक को कम लिखा तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, जबकि एक्चुअल में क्या होना है, आपका प्रॉफिट तो कम आना चाहिए था, गलती से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, ज्यादा आ गया, यानी बढ़ गया। अब मुझे सही करना है इस चीज को, तो बढ़े हुए प्रॉफिट को सही कैसे करेंगे, माइनस कर दो, लेस कर दो, समझ गए? तो यहाँ पर जब भी ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन हो आपको हमेशा याद रखना माइनस कर दो, ठीक है? और कितना माइनस करना है, जितना कम लिखा, 1 लाख रुपए कम लिखा तो 1 लाख माइनस कर दीजिए, आए समझ में? तो 2 पॉइंट तो हमें याद हो गए अच्छे से, ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने। देखिए मैं लास्ट में आपको बोलूंगा कि आप इसको याद करना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, आपको टाइम कम मिलेगा, एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल नहीं लेंगे, है ना, बट इन चीजों को समझने के लिए आपको कि आप जैसे याद भी होगा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन होने में डायरेक्टली एड करना है तो कैसे होगा, वो आपको मेथड आना चाहिए, ठीक है? अभी मैं आपको डायरेक्टली लिखूंगा फिर कि ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन होने पर क्या करना है, ठीक है? थर्ड कंडीशन जो अराइज होती है वो थर्ड और फोर्थ दो कंडीशन, ये बात करेंगे अपन क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये वाला। अब मैंने कहा इसको वापस वैसे लिख देते हैं जैसा पहले था हमारा, ठीक है? पहले ये कंडीशन थी, मैंने कहा आपने क्लोजिंग स्टॉक को 20 लाख की जगह आपने लिख दिया 22 लाख रुपये, कितना लिख दिया, 22 लाख। तो पहली चीज तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा कि कम लिखा, ज्यादा लिखा, ज्यादा लिखने को अपन बोलते हैं ओवर वैल्यूएशन, क्या बोलते हैं, ओवर वैल्यूएशन। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया ओवर वैल्यूएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिमूल्यांकित। अब समझिएगा इस चीज के इफेक्ट को, मुझे लिखना चाहिए था 22 लाख, 22 लाख लिखने पर प्रॉफिट 25 लाख आ रहा है, सॉरी 20 लाख लिखने पर प्रॉफिट 25 लाख आ रहा है। मैं अगर इसको 22 लाख कर दूं तो अब देखिए क्या क्या इफेक्ट होगा, इसकी टोटल ज्यादा आएगी, इस बार इसकी टोटल कितनी आ जाएगी, 62 लाख, ठीक है? क्योंकि ये बड़ा तो ये भी तो बढ़ेगा, 62 लाख में से अगर मैं ये माइनस करूँ 5 और 20, 25, 30 और 5 35,
62 में से 35 गए तो आपके पता है प्रॉफिट बच जाएगा 27 लाख रुपए। अब बताइए एक्चुअल में प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, 25 लाख। आपने जैसे अपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया इस रीजन से आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया, तो क्या वास्तव में प्रॉफिट बढ़ा या आपने गलती कर दी? हमने गलती कर दी। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक के इंक्रीज होने से आपका प्रॉफिट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। हमें अब सही करना था, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसको माइनस करना पड़ेगा। सिंपल है, गलती से क्लोजिंग स्टॉक के इंक्रीज होने पर आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, इसके बढ़ने पर हम वापस इसको अगर एडजस्ट करेंगे तो इसको माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, या कितना बढ़ा था, 2 लाख रुपये बढ़ा ना, तो जितना बढ़ा उतना माइनस कर दीजिए, बस। सो सिंपल, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। वापस देखिए अब इसको याद करने के लिए, ओपनिंग स्टॉक के इंक्रीज होने पर, ओपनिंग स्टॉक के इंक्रीज होने पर जोड़ो, ओपनिंग स्टॉक के इंक्रीज होने पर यानी ओवर वैल्यूएशन होने पर ऐड करो, ओपनिंग स्टॉक के डिक्रीज होने पर या फिर अंडर वैल्यूएशन होने पर माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने पर, ओवर वैल्यूएशन यानी ज़्यादा लिख देने पर माइनस करो। और अब याद करें आप इसको, क्लोजिंग स्टॉक मैंने था 20 लाख, है ना, एक्चुअल तो 20 लाख था, मैंने 20 की जगह उसको 19 लिख दिया, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, अंडर वैल्यूएशन, ठीक है, अंडर वैल्यूएशन यानी कम मूल्य। अब बताइए कम मूल्यांकन होने पर क्या हुआ, मैंने कहा गलती से हमने इसको कितना लिख दिया, 19 लाख, है ना। 19 लाख लिखने पर हमारा ये जो टोटल आएगी वो कितनी आएगी, 59, बाकी इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, ये 59 आया है, तो इसमें से बताइए आपका प्रॉफिट कितना होगा, 27 की जगह आपका प्रॉफिट होगा कितना, पिछले बार मैंने 60 को चेंज नहीं किया तो आप कर ले, ठीक है, ये चेंज होने पर यहाँ पर भी 60 आएगा, 60 में से लेस करें। अब देखिए अब आपका प्रॉफिट कितना है, 24 लाख। गलती से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, है ना। प्रॉफिट आना कितना चाहिए था एक्चुअल 25, आपने गलती करी, आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को क्या किया, कम लिख दिया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। प्रॉफिट कम होने पर हमें क्या करना है, एक्चुअल में इस प्रॉफिट को वापस इंक्रीज करना पड़ेगा, तो हमारे इस प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, ऐड, और कितना ऐड करेंगे, 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो हमें चार चीज़ें याद करनी है, ये तो समझने की टेक्निक थी समझाने के लिए, अब याद रखिए चार चीज़ें अच्छे से देखिएगा। ओपनिंग स्टॉक के ओवर, ओवर का मतलब समझ आना, ओवर वैल्यूएशन होने पर क्या करना है, एडजस्टमेंट क्या करेंगे अपन, ठीक है। देखिए यहाँ लिख रखा है ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने पर क्या किया हमने, ऐड किया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ओवर ओपनिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन होने पर उल्टा कर दो, ओवर होने पर बढ़ा तो प्लस किया, अंडर होने पर माइनस कर दीजिए, ऐसा कैसा क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के बीच में रिलेशन नेगेटिव और पॉजिटिव का होता है। ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने पर जोड़ते हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने पर माइनस करेंगे, ये याद रखें, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन होने पर माइनस किया तो क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन होने पर प्लस करेंगे, ठीक है, ये याद रखें, एड लेस लेस एंड एड, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर जाके सिंपल एवरेज प्रॉफिट का विद एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपकी बुक का, ठीक है। चलिए फटाफट बुक निकाल लें आप अपनी, इनको लिखना आपको, ठीक है, और मेनली ये चीज़ आपको लिखनी, ये चीज़ आपको अच्छे से याद भी करनी। तो आपकी देखिए मेन जो चीज़ ना वैल्यूएशन के अंदर जो सबसे टफ जो बनता है पॉइंट, वो हमारे फर्स्ट वाला ही बनता है, ठीक है। बाकी तो सब इजी है, इतना टफ है नहीं उनमें, पर ये कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाता है, इसलिए इसको अच्छे से देखें, एक बार नहीं समझ में आए तो वापस देखें, वीडियो को रिवाइंड करें, ठीक है, कैसा भी हो हमें समझ में आना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बुक के पेज नंबर बता देता हूँ, फटाफट आप पेज नंबर पे आ जाइए, इसके जैसा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर अपन दूसरे मेथड्स पे चलते हैं, शायद आज तो दूसरा मेथड हो नहीं पाएगा। देखिए हमारे पेज नंबर आ जाइए आप 81 पे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको नहीं कराया, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैंने शायद पिछली बार या तो दे दिया था, नहीं दिया तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कि हमारे पास में एक फॉर्म दे रखी है, एक फॉर्म के 4 साल के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईयर्स, और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रॉफिट्स, ठीक है। ईयर हमारे पास में गिवन है 2013, 14, 15, 16, ठीक है, 4 साल के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। इसका प्रॉफिट दिया हुआ 20,000,
इसका माइनस में है 2000, माइनस का मतलब लॉस हो गया। यहाँ पर 17000 पॉजिटिव और 19000 पॉजिटिव, ठीक है। इनके आगे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है सट्टे का लाभ 4000। सट्टे को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेकुलेशन एक्टिविटी, तो इसको हम बोलेंगे स्पेकुलेशन प्रॉफिट, कितना है 4000, ठीक है। अभी हम मोर डिस्कस करते हैं। फिर आगे लिखा 2000 के ब्रैकेट में एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस 16000। फिर हमारे पास में लिखा हुआ है अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 2000 से अधिक किया गया, अधिक का मतलब क्या हुआ ओवर, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसका आंसर आप देंगे अभी मुझे 2000, कितना ओवर वैल्यूएशन हुआ 2000 हुआ। और फिर आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन को बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ है 2000 रुपीज का। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट ईयर, या मैं प्रॉफिट दे रखें, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ, 3 टाइम्स यानी 3 गुना हो गया ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। यानी हमें ईयर्स ऑफ परचेज दे दिया 3 टाइम्स, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी, ठीक है। अब ध्यान दें, हम वन बाई वन चलते हैं। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप चीज दिमाग में रखें, ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। हिंदी में इसको कहें तो साधारण औसत लाभ। वैसे मुझे ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं थी, बुक में दिया हुआ है, हम डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते थे, बट फिर भी मैंने एक दो क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है। आगे से सारे क्वेश्चन आपको बुक में से ही देखने, मैं आपको उसकी फोटो अपने वीडियो के अंदर साथ में लगा दिया करूंगा। साधारण औसत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण औसत लाभ का फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज। ये होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 टाइम्स, यानी 3 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जो हम कैलकुलेट करेंगे इधर वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही तो आप मुझे बोल दे, ठीक है, मैं इसको प्योरली हिंदी में भी साथ में लिखा रहूंगा, वैसे इतनी इंग्लिश हमारे चलती है ना। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड में आ जाएंगे नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ समझिएगा, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट की बात करें, और एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब ये जो इफेक्ट हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, इनके इफेक्ट को भी हमें साथ में यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या एडजस्टेड प्रॉफिट ऊपर ही निकाल लें, निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं पर इस क्वेश्चन में ही यहाँ लिख दूँ एडजस्टेड प्रॉफिट, क्या लिखते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में पूरा सॉल्यूशन का पार्ट होगा, हमें यहाँ तक लिखना फिर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना। अब समझिएगा, 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, वन बाय वन सारी चीज़ क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर 20000 का हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हुआ था, जिसके अंदर हमारे सट्टे का लाभ, ठीक है, व्यापारी जो है वो सट्टे खेलने का शौकीन है, उसने सट्टा खेला और 4000 तो जीत गया, ठीक है। अब समझिएगा इसको, उसने जो प्रॉफिट जीता रहा उसको अपने बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड कर दिया। अब बताइए क्या इसका पहले बिजनेस का प्रॉफिट कम आ रहा था या ज़्यादा आ रहा था, पहले कम आ रहा था, इसने जैसे अपने बिजनेस के प्रॉफिट में इसको शामिल किया, इसके बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, ठीक है। लेकिन क्या ये जो 4000 है, क्या ये बिजनेस का प्रॉफिट है, ये तो बिजनेस का प्रॉफिट है ही नहीं, हमें तो यहाँ पर एक्चुअल में बिजनेस के प्रॉफिट के आधार पर गुडविल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इस प्रॉफिट को ऐसे माइनस कर देंगे। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये अबनॉर्मल प्रॉफिट है, और अबनॉर्मल प्रॉफिट हमेशा माइनस किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में 20000 का जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर देंगे 4000, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट 16000, ठीक है, सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट 2000 अपन माइनस में चल रहे हैं, लॉस है, यानी कि माइनस में लिख सकता हूँ, ठीक है। बट आगे लिखा अबनॉर्मल लॉस हो गया 16000 का, अबनॉर्मल लॉस यानी कि कोई एक ऐसा लॉस जो बिजनेस का नहीं है। अब समझिए, मैं अपने बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था, और सडनली कोई लॉस होने से मेरा बिजनेस लॉस में चला गया, ठीक है। क्यों गया, क्योंकि मैंने उस लॉस को मेरे बिजनेस के लॉस में शामिल कर लिया।
क्या एक्चुअल में बिजनेस का लॉस था, क्या ये व्यवसाय की हानि थी? नहीं थी। तो हमें हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, तो एक काम करते, इस लॉस को हटा देते हैं। हटाने का मतलब क्या है समझिएगा, आपने जैसे ही लॉस को अपने बिजनेस में शामिल किया तो इसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया, कम कर दिया। अब इसको इफेक्ट हटाना है तो मुझे अपने प्रॉफिट को वापस बढ़ाना पड़ेगा, है ना। याद करा रखा हमने वैसे आपको अबनॉर्मल लॉस होने पर डायरेक्टली एड करें, बट साथ में इन चीज़ों को भी समझते जाए, है ना। तो हमारे इस प्रॉफिट को इसने कम कर दिया तो मुझे वापस सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, जितना लॉस हुआ, कितना, 16,000 का। तो माइनस के 2,000 और प्लस के 16,000, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट आ रहा है प्लस का 14,000 पॉजिटिव। देखिए, अब नॉर्मल लॉस को बिजनेस में शामिल करने से आप अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, जो आप लॉस में चले गए, समझ गए। तो अब नॉर्मल लॉस के, अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस है तो इसके इफेक्ट को हटाना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो हमारी गुडविल गलत आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, 17,000। अब बताइए इस पॉइंट का आंसर आप देंगे, ठीक है। कमेंट करना आपको क्या होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा, या हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस या माइनस? माइनस क्यों? क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ गया तो वो हमारे ग्रोस प्रॉफिट को भी बढ़ा देता है। ग्रोस प्रॉफिट को अगर उसने बढ़ा दिया तो हमें क्या करना है, वापस माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से माइनस करूंगा 2,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 15,000। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, अच्छे से समझिएगा इस पॉइंट, ठीक है। 19,000 अपने को क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है दिया ना। अगले तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन को बेचने से होने वाला प्रॉफिट। अब देखिए, हम अगर हमारे बिजनेस के एसेट्स को बेचते हैं और बेचने पर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, उसको हम अब नॉर्मल मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम हमारी एसेट्स बेचना नहीं है, हमारा दूसरा काम है, हम ट्रेडिंग करते हैं, हम व्यापार करते हैं, हम चीज़ें खरीदते और बेचते हैं, लेकिन संपत्तियाँ खरीदते और बेचते नहीं है। अगर एसेट्स को खरीदने और बेचने से आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो ये अब नॉर्मल माना जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए, प्रॉफिट हुआ आपको, क्या मैं इसको अबनॉर्मल प्रॉफिट बोल सकता हूँ? यस, हम इसको अबनॉर्मल प्रॉफिट बोल सकते हैं। अबनॉर्मल प्रॉफिट होने पर माइनस किया जाता है, माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे 2,000। अब ध्यान दीजिएगा, सीधा बाहर नहीं लिखना, यहाँ एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है समझें, अच्छे तरीके से समझे इसको। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, पिछले साल वाला क्लोजिंग स्टॉक का मतलब समझते, पिछले साल के लास्ट में क्या चीज़ बच गई थी, कितना माल हमारे पास में बिना बिके रह गया, वो हमारे पास में। हमने गलती से पिछली बार यानी पिछले साल हमारे क्लोजिंग स्टॉक को 2,000 से ज़्यादा दिखाया, ठीक है। तो क्या ये इस साल के ओपनिंग स्टॉक में भी आया होगा? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 2,000 से बढ़ गया, यानी कि जब आप रात को जब सोए तो आपकी जेब में 2,000 की जगह 4,000 रुपये थे। तो क्या आप सुबह उठेंगे तो भी आपकी जेब में 4,000 ही मिलेंगे? जी हाँ। इसका मतलब क्या पिछले साल का क्लोजिंग ही अगले साल का ओपनिंग हो जाता है? जी हाँ। तो पिछले साल का क्लोजिंग तो हमने चलो उस साल एडजस्ट कर लिया, लेकिन ये जो 2,000 है ना, इसका इफेक्ट हमें इस साल भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग जो होगा वो अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। तो पिछले साल का क्लोजिंग अगर 2,000 से बढ़ा ना, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी 2,000 से बढ़ेगा। और बताइए, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा यानी कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होने पर हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। क्यों माइनस करना, रीजन मैं समझा चुका हूँ, उस वीडियो को आप रिवाइंड करके एक बार देख लें, ठीक है। तो जब भी ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सॉरी रिवर्स बोल दिया मैंने आपको। ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने से, ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। तो जब भी ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हो तो क्या करें, प्लस करें, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हो तो माइनस करें, याद रखें आप इस चीज़ को, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने पर इसको हम जोड़ेंगे तो नेट हमारा इफेक्ट आ जाएगा यहाँ पर 19,000 रुपये। आगे ये हमारे आगे एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट। अब हमें यहाँ पर निकालना सिंपल एवरेज को, सिंपल एवरेज इनका नहीं होगा, इनका होगा, ठीक है। तो देखिए, 16,000 प्लस 14,000 प्लस 15,000 एंड प्लस 19,000 एंड डिवाइड में आ जाएगा 4, क्योंकि 4 साल के प्रॉफिट है, ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 16,000 प्लस 14,000 प्लस 15,000 प्लस 19,000, ठीक है, 64,000 डिवाइड बाई 4, देन योर आंसर इज 16,000, एंड 16,000 इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट,
Now, the simple average profit is 16,000, then your goodwill is rupees 16,000 मल्टीप्लाई थ्री, ठीक है, 16,000 इंटू तीन, ये क्या आ गई आपकी गुडविल आ गई। 16,000 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 आपकी आ जाएगी गुडविल। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ना, इस फेवरेट क्वेश्चन बताए, एक ही सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी वो था क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, जो अगले साल में भी इफेक्ट में आ जाता है, समझ गए, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता और बहुत ही अच्छा बन जाता। तो आई होप यहाँ तक आपको कहीं पर भी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इस क्वेश्चन में वो वापस आप रिवाइज करें, हमारी क्लासेस को जितना हो सके अपने 12th क्लास के सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि हम एक्स वाई जेड जितनी भी आपके टॉपिक है ना, सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल्स भी ले रहे हैं, हम क्वेश्चन भी ले रहे हैं, हम नहीं चाहते कि छोटी से छोटी चीज़ भी आपके छूटे। तो इस चीज़ का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी मिलना चाहिए, और आप हमें जितना ज़्यादा लाइक्स करेंगे हमारी क्लासेस को, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी यहाँ पर लॉन्च कर देंगे, ठीक है। लाइव हम पढ़ेंगे, लाइव में आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, पर ऐसा सिर्फ तभी होगा जब हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होंगे। आप जितना ज़्यादा इनको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ इसको जाया ना जाने दें, और जितना हो सके इन क्लासेस को आप शेयर करें। थैंक यू।